इन फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। राजू श्रीवास्तव ने 58 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। वह 40 से ज्यादा दिनों से एम्स में एडमिट थे। निधन के बाद राजू श्रीवास्तव की वर्चुअल ऑटोप्सी हुई। 21 सितंबर 2022 को सुबह सुबह देश को एक बेहद बुरी खबर मिली कि जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। राजू श्रीवास्तव के देहांत की खबर सुनकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों ने श्रद्धांजलि दी है और दिग्गज कॉमेडियन को याद किया है। इन सितारों में कपिल शर्मा का नाम भी शामिल है, जो खुद भी एक कॉमेडियन है। कपिल राजू को याद करते करते रो पड़े। नम आंखों से कपिल ने राजू को याद किया। राजू श्रीवास्तव का नई तकनीक से हुआ पोस्टमार्टम। एशिया में सिर्फ एम्स में है ये सुविधा। निधन के बाद राजू श्रीवास्तव की वर्चुअल ऑटोप्सी हुई। इस ऑटोप्सी में सीटी स्कैन और एक्सरे करके जांच की जाती है। फरीदाबाद में इंटरपास में पानी में फंसी स्कूल बस, बच्चों को किया गया रेस्क्यू। फरीदाबाद के NHPC चौक के पास रेलवे इंटरपास के पास बच्चों से भरी स्कूल बस फंस गई, जिसको हटाने के लिए क्रेन मशीन बुलाई गई। हरियाणा के फरीदाबाद के NHPC चौक के पास स्कूल की बस बच्चों को लेकर जा रही थी, वह इंटरपास में फंस गई। बारिश के कारण यहां पर लगातार पानी भर रहा था। बस बीच में ही पानी में फंसकर बंद हो गई और बच्चे उसी में फंस गए, जिसे करीब 1.5 घंटे के बाद पुलिस की मदद से रेस्क्यू किया गया। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब बरसात के पानी में इस तरह से फरीदाबाद की अंडरपास में वाहन फंस जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन द्वारा पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में मैं किसी का पक्ष नहीं लेने वाली, अशोक गहलोत से मुलाकात में बोली सोनिया गांधी। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इस मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी ने हिसाब कर दिया है कि वो पार्टी अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में किसी भी नेता विशेष का पक्ष नहीं लेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर पार्टी के अंदर गहमा गहमी तेज हो गई है। बुधवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। हालांकि सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इस मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी ने साफ कर दिया है कि वो पार्टी अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में किसी भी नेता का विशेष पक्ष नहीं लेंगी। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में गहलोत ने विधायकों से कहा कि पहले वे राहुल गांधी को चुनाव लड़ने के लिए मनाएंगे और अगर वो नहीं माने तो खुद नामांकन करेंगे। झारखंड की कांग्रेस विधायक का अनूठा विरोध। हाईवे की बदहाली के खिलाफ जल जमाव में किया सांकेतिक स्नान। झारखंड के महगामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह आज अपने क्षेत्र से गुजर कर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 133 के बदहाली के खिलाफ महगामा और पीरपैंती के बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गई और वहां जल जमाव के बीच सांकेतिक स्नान किया। हालांकि भाजपा का कहना है कि रखरखाव का जिम्मा राज्य सरकार के पास है, लेकिन विधायक का दावा है कि केंद्र ने अब राज्य को इस मदद में पैसा देना बंद कर दिया है और बार बार NHAI के अधिकारियों को लिखने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो उन्हें यह सांकेतिक विरोध का रास्ता अख्तियार किया।